नमस्कार दोस्तों, हिजा मैडम में आपका स्वागत है। यदि आप करंट अफेयर का टॉपिक को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम, एसएससी, रेलवे, चाहे जो अभी तुरंत एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को आगे चलते हैं। तो पहला अभ्यास देखते हैं हम, इंद्र सैन्य अभ्यास जो होता है रूस और भारत के बीच में, मैत्री अभ्यास थाईलैंड और भारत के बीच में होता है, सूर्य किरण अभ्यास नेपाल और भारत के बीच में, इसी प्रकार हैंड इन हैंड अभ्यास चीन और भारत के बीच में होता है। दोस्तों, परबल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत के बीच में, नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के बीच में, दोस्तों खंजर अभ्यास किर्गिस्तान और भारत के बीच में, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया और भारत के बीच में, सिल्क्वेस अभ्यास यूएसए और भारत के बीच में, मित शक्ति अभ्यास श्रीलंका और भारत के बीच में। ये क्वेश्चन है फिलहाल ही एलईसी एग्जाम जो हुआ था इसे पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अजय योद्धा अभ्यास यूके और भारत के बीच में, युद्ध अभ्यास यूएसए और भारत के बीच में। दोस्तों, ब्रज परिहार अभ्यास यूएसए और भारत के बीच में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, युद्ध अभ्यास और ब्रज परिहार अभ्यास दोनों अभ्यास यूएसए और भारत के बीच में होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इक्वेरियन अभ्यास मालदीव और भारत के बीच में होता है, संप्रति अभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच में, बोल कुरुक्षेत्र अभ्यास सिंगापुर और भारत के बीच में। अग्नियोद्धा अभ्यास सिंगापुर भारत के बीच में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोल कुरुक्षेत्र और अग्नियोद्धा ये दोनों सैन्य अभ्यास जो होता है सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। कहाँ होता है? सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। आगे देखते हैं, चीन इंडिया संयुक्त अभ्यास चीन और भारत के बीच में, गरुड़ शक्ति अभ्यास यूनेस्को और भारत के बीच में, अल नागा है, ध्यान दीजिएगा, अल नागा अभ्यास कहाँ है? ओमान और भारत के बीच में, बिन बैक्स अभ्यास वियतनाम और भारत के बीच में होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इम्बाकस अभ्यास म्यांमार और भारत के बीच में, लमेत्ते अभ्यास कहा है? सेसेल्स और भारत के बीच में है। इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं, अगला टॉपिक है नौसेना अभ्यास। दोस्तों इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है, ये सैन्य अभ्यास में आता है नौसेना अभ्यास, तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला इसमें वरुण अभ्यास, कौन है? वरुण अभ्यास कहा है? फ्रांस और भारत के बीच में होता है। दोस्तों नेक्स्ट है मलबार अभ्यास, ये क्या होता है? यूएसए जापान और भारत के बीच में। देखिएगा दोस्तों, ये तीन देशों के बीच होता है, कौन कौन? यूएसए जापान और भारत के बीच में। नेक्स्ट है सिल्ले क्वेस अभ्यास है श्रीलंका और भारत के बीच में। नेक्स्ट सिम्बेक्स अभ्यास है सिंगापुर और भारत के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों कोकर अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, यूके और भारत के बीच में है। और अगला अभ्यास है टेढ़ा नाम है दोस्तों, IBSMARARA, दोस्तों बहुत टेढ़ा नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको, साउथ अफ्रीका ब्राजील और भारत के बीच में। दोस्तों कहा है? साउथ अफ्रीका ब्राजील और। नेक्स्ट दोस्तों है ओनसिडिकस ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। दोस्तों ये दोनों नाम टेढ़ा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सहयोग कैजिन अभ्यास, कहा है? जापान और भारत के बीच में। अगला है नसीम अल बहर ओमान, असीन और बहर अभ्यास है, ये कहा है? ओमान और भारत के बीच में। इसी प्रकार दोस्तों नौसेना समाप्त होता है। अगला है वायु सेना अभ्यास, इसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग वायु सेना अभ्यास में, पहला इसमें रेड फ्लैग अभ्यास, ये क्या होता है दोस्तों? यूएसए और भारत के बीच में। नेक्स्ट है गरुण अभ्यास, फ्रांस और भारत के बीच में। और अगला है कोप इंडिया यूएसए और भारत के बीच में, कोप इंडिया क्या होता है दोस्तों? यूएसए और भारत के बीच में होता है। दोस्तों आगे चलते हैं, इंदिरा धनुष अभ्यास होता है ब्रिटेन और भारत के बीच में। अगला है सिंधेक्स अभ्यास,
सिंगापुर और भारत के बीच में। दोस्तों इसको जरूर याद कीजिएगा। अगला चलते हम लोग, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास है ओमान और भारत के बीच में। और अगला है डेसर्ट ईगल अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। और अंतिम है सियाम इंडिया थाईलैंड और भारत के बीच में। इसी पर दोस्तों आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, और इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम के विषय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।